राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की मार झेल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के दो बड़े फैसले नोटबंदी और जीएसटी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने उदयपुर में कारोबारियों से बात कर जाना कि ये दोनों फैसले विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। राजस्थान में देखने के लिए बहुत कुछ है, टूरिस्ट बहुत आते हैं और ख़ास तौर से यहाँ के जो पकवान होते हैं काफ़ी मशहूर होते हैं राजस्थान के, उदयपुर में हैं और ये सारे पकवान आप देख भी सकते हैं, वहाँ बनी रहे हैं आपके, फ्रेश बन रहे हैं, ताज़ा बन रहे हैं। बाहर से बहुत लोग आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं। अब ये बताएं, नोटबंदी जब हुई क्या उससे फ़र्क पड़ा आपके बिज़नेस पे? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा बिज़नेस पे, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, पर उसके फ़ायदे भी बहुत हैं आगे जाके। रिकवर, थोड़ा रिकवर कर पाए? अब धीरे धीरे सुधार हो गया है, रिकवरी हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। एंड जीएसटी को लेके एक और बड़ा मुद्दा है? जीएसटी के लेके ऐसा कोई मुद्दा खास नहीं है, क्यों जीएसटी हमारे लिए आगे जाके फायदा होगा। अभी थोड़ी डिफिकल्टी है लेकिन आगे जाके बहुत फायदा होगा जीएसटी से। आगे जाके मैं बीजेपी को वोट दूंगा ताकि हम मोदी जी को जिता पाए और मोदी जी हमारे लिए कुछ कर पाए। बट चुनाव जो है, यहाँ वसुंधरा राजे हैं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, यहाँ का चुनाव के लिए जो सीएम आपकी हैं वसुंधरा राजे हैं, तो चुनाव जो आप बटन दबाएंगे तो आप मोदी जी को ध्यान में रखेंगे या वसुंधरा राजे? मोदी जी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को वोट देंगे, और किसी को ध्यान में रखते हुए वोट किसी को भी नहीं देंगे। सीएम कोई भी हो? सीएम कोई भी हो। सीएम से खुश हैं आप यहाँ पर? हाँ, सीएम से खुश हैं हम यहाँ पर। गरीब परेशान है ही है, आज के दौर में तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, कोई मतलब समझ नहीं पा रहा इस चीज को। बाकी बेरोजगारी भी बहुत बड़ी हुई है, इसका कोई समाधान है ही नहीं। तो ये बताएं कि जहाँ तक शहर की बात है, ये उदयपुर है, तो शहर में जो विकास हुआ है उससे आप खुश हैं या आपको लगता है और काम होना चाहिए? क्या लगता है, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं? शहर में तो अभी विकास जैसे तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो छोटे मोटे काम, अभी जैसे गंदगी वगैरह साफ हुई नहीं है, सड़कों पर कचरे पड़े हुए हैं, गली गली में नाले जाम हो रही है, सड़कें बनी हुई नहीं है कहीं पर, तो ये हाल है। और स्मार्ट सिटी का नाम खाली ऐसे लिया जा रहा है बस। नोट बंदी को लेके कितना फर्क पड़ा है? नोट बंदी से गरीब आदमी टूटा है और गरीब आदमी तक लाता तक आज 5 लाख ला के पेड़ी पे दुकान लगा के बेटा वो रोड पे आके खड़ा हो गया। पैसे वाले के तो कुछ फर्क नहीं है, जो छोटे से जमीन से उड़ता उसको नीचे नाल में ला के पटका है, ऐसा शासन हमको नहीं चाहिए। ये 2 साल पहले की बात है, तो अब तो कुछ रिकवरी हुई है या नहीं? अरे जो गरीब आदमी जो धंधे से टूट गया तो उसका क्या होगा, उसके बाल बच्चे हैं, किसके गरीब के बच्ची पन्नाने आई, किसके क्या, उसका क्या होगा? बड़े आदमी तो वो सब कुछ कर देगा, छोटा आदमी का क्या है। ये बता रहे थे कि नोटबंदी से फर्क तो बहुत पड़ा है, कई लोग जो हैं वो रिकवर कर पाए हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं उनका कहना है अब भी कि जो नोटबंदी की मार जो है अभी तक उससे वो रिकवर नहीं कर पाए और आगे क्या होगा उनको पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि काफ़ी लोग जो हैं उससे जो प्रभावित हुए हैं, जैसे जो आम आदमी सड़क पे, इनका कहना है कि इन पे काफ़ी उसका असर पड़ा है जिससे वो अब तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, तो काफ़ी निराश हैं ये नोटबंदी को लेके।